पाकिस्तान चुनाव आयोग ने अगले साल 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग द्वारा तय शेड्यूल के मुताबिक देश में मतदान की प्रक्रिया 19 दिसंबर को शुरू होगी। अधिसूचना के मुताबिक आम चुनाव के लिए 20 दिसंबर से नामांकन शुरू हो जाएंगे। उम्मीदवार 3 दिन तक यानी 20 से 22 दिसंबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों के नाम 23 दिसंबर को प्रकाशित किए जाएंगे। इसके बाद 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक उनके दस्तावेजों की जांच की जाएगी। नामांकन पत्रों की जांच में अगर कोई पर्चा खारिज हो जाता है तो उस फैसले के खिलाफ उम्मीदवार 3 जनवरी तक अपील कर पाएंगे। उम्मीदवार की ऐसी अर्जी पर 10 जनवरी तक फैसला लिया जाएगा। उम्मीदवारों की अंतिम सूची 11 जनवरी को प्रकाशित कर दी जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 12 जनवरी होगी। राजनीतिक दलों को चुनाव निशान 13 जनवरी तक आवंटित किए जाएंगे और 8 फरवरी को पाकिस्तान में वोटिंग होगी। पाकिस्तान में सबसे लोकप्रिय माने जाने वाले 71 साल के इमरान खान को तोशाखाना मामले में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उन पर 5 साल का बैन भी लगा दिया गया। इमरान पर प्रधानमंत्री रहते हुए गिफ्ट्स बेचने का आरोप है। फिलहाल वो रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। पाकिस्तान में इमरान का विकेट गिरने के बाद बिलावल भुट्टो मुल्क की कमान संभालने का सपना देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो का नाम बतौर प्रधानमंत्री और आसिफ अली जरदारी का नाम राष्ट्रपति के लिए घोषित कर दिया है। इधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की ओर से रेस में पूर्व पीएम नवाज शरीफ भी हैं। यानी लंबे निर्वासन के बाद नवाज शरीफ के मुल्क वापस लौटने के बाद पाकिस्तान की सियासी पिच बेहद दिलचस्प हो गई है और चुनाव में नवाज बनाम बिलावल की पटकथा तैयार हो गई है। हालांकि पाकिस्तान में होता वही है जो वहां की आईएसआई और सेना चाहती हो। हाल ही में नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने पर जोर दिया था। और ये कैसे मुमकिन है कि आपके जो है वो हमसाए तो आपसे नाराज हों या आप उनसे नाराज हों और उस नाराजगी के अंदर आप रह के तो आप दुनिया में कोई मकाम हासिल करें। आप अपने मामलात को हमें इंडिया के साथ भी ठीक करना है, अपने मामलात को हमने अफगानिस्तान के साथ भी ठीक करना है, हमने अपने मामलात को ईरान के साथ भी मजबूत करना है। पाकिस्तान में परिसीमन के बाद नेशनल असेंबली की सीटें 342 से घटकर 336 हो गई हैं। इनमें से प्रत्यक्ष तौर पर 266 सदस्यों को चुना जाना है, जबकि 60 सीटें महिलाओं के लिए और 10 गैर मुसलमानों यानी धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं। इन 70 सीटों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के नियम के मुताबिक होता है। पाकिस्तान में चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहे हैं। नेशनल असेंबली भंग किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए कहा था, जिसके बाद 2 नवंबर को 8 फरवरी की तारीख घोषित की गई थी। लेकिन पूरा शेड्यूल अब सामने आया है। पाकिस्तान में 9 अगस्त को नेशनल असेंबली भंग होने के बाद से आम चुनाव लंबित हैं। यहां के राष्ट्रपति ने पहले 6 नवंबर तक चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा था। किसी न किसी वजह से पाकिस्तान में लगातार चुनाव टलते रहे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद अब चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आज तक।